नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आपके चैनल यूनिक ऑनलाइन गुरु पर। और आशा करता हूं बच्चों आप सब अच्छे से होंगे। तो आइए आज आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन विषय पर हम जानकारी लेकर उपस्थित हुए हैं बच्चों, कि वो कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं जो आपके IoT में यूज़ की जाती हैं, कौन कौन सी वो प्रमुख टेक्नोलॉजीज हैं। तो आइए इसी विषय पर आपके लिए जानकारियों का संग्रह है ये टेक्नोलॉजीज। Used in कहां पर IoT। तो बच्चों एक बात बहुत ध्यान से दिमाग बैठा लीजिए कि कोई एक अकेली टेक्नोलॉजी आपके IoT में यूज या उपयोग नहीं होती है। मतलब ये चीज एकदम क्लियर जान लो कि नो एनी सिंगल टेक्नोलॉजी रन्स और यूज इन IoT, कि कोई अकेली टेक्नोलॉजी आपके IoT में नहीं यूज होती। तो आपके मन में प्रश्न उठेगा तब क्या है सर, तो आप समझ लीजिए कि अगर आप टेक्नोलॉजियों को क्लासिफाई करोगे, अगर आप टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो IoT में बच्चों आपका वायरलेस, आपका वायर्ड, आपका मोबाइल कम्युनिकेशन, ये सब यूज होता है। यानी एक अकेले प्रकार की टेक्नोलॉजी, हां एक चीज मैं कहूंगा, वायरलेस जो है वो मैक्सिमम यूज होता है, मैक्सिमम। अगर आप बात करेंगे सबसे ज्यादा कौन सी टेक्नोलॉजी आपके IoT में यूज होती है, तो यू कैन से कि साहब वायरलेस टेक्नोलॉजी का यूज सबसे ज्यादा है। लेकिन वायर्ड कम्युनिकेशन भी यूज होता है, आपका फाइबर ऑप्टिक केबल्स, आपका वो है ना बच्चों जिसको कहा जाता है कि कोएक्सियल केबल, विभिन्न प्रकार की टेक्नोलॉजी भी यूज होती है। और अगर आप बात करेंगे मोबाइल कम्युनिकेशन की, तो आप जानते हैं मोबाइल फोन्स को सेल फोन्स भी कहते हैं। तो आपकी साहब मेन इसमें होती है 2G, 3G, 4G, आपकी 5G टेक्नोलॉजी, 2G, 3G, 4G, 5C, इसी में बच्चों LTE लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, इसी में आपका बच्चों GPRS, इसी में आपका CDMA, बहुत प्रकार की टेक्नोलॉजियां हैं जो आपकी यूज होती हैं। लेकिन हमारा प्रमुख कंसर्न यहां पर बच्चों आपके साथ थोड़ा सा वायरलेस टेक्नोलॉजी का जिक्र करना है, क्योंकि मैं फिर वही कहूंगा कि अगर आप IoT की बात करोगे साहब, तो जो मैक्सिमम टेक्नोलॉजी प्रयोग या उपयोग या यूज की जा रही है बच्चों, वो आपकी कौन सी है, वो आपकी वायरलेस टेक्नोलॉजी है। तो आइए अब आपको बताने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन सी वायरलेस टेक्नोलॉजी है जो कि यूज्ड हो रही हैं आपके किस में, यूज्ड इन IoT। आपके मन में एक प्रश्न बच्चों बनता है, वो मैं आपकी तरफ से उठा रहा हूं कि साहब क्यों वायरलेस टेक्नोलॉजी का ज्यादा उपयोग किया जा रहा है, ऐसा क्या खास बात है, ऐसी कौन सी बहुत बड़ी चीज वायरलेस टेक्नोलॉजी में खासियत है, जबकि वायरलेस टेक्नोलॉजी में आप जानते हैं दिक्कतें भी उतनी ही हैं, बैंडविड्थ बहुत हाई पावर नहीं मिलती, रिलायबिलिटी कम होता है, कभी तेज हो जाता है स्पीड, कभी स्लो हो जाता है, नहीं एवरीथिंग इज नॉट फाइन, लेकिन ऐसी क्या खासियत है कि हम लोग कहते हैं कि सबसे ज्यादा IoT में जो टेक्नोलॉजी यूज या उपयोग हो रही है वो वायरलेस टेक्नोलॉजी है। तो बच्चों उसकी सबसे बड़ी वजह ये है, उसका जो सबसे प्रमुख कारण है
कि वायरलेस टेक्नोलॉजी जो हम आईओटी की जिक्र कर रहे हैं या बात कर रहे हैं वो फ्लेक्सिबल है, वो लचीला है। आज के डेट में आईओटी का जो इम्प्लीमेंटेशन है बच्चों, उसमें आप जानते हो ये सेंसर बेस्ड नेटवर्क है, जहां पर सेंसर्स इन्वायरमेंट में रिमोट प्लेस पर लगे हैं और वो डेटा को कैप्चर कर रहे हैं इन्वायरमेंट से। लाइव डेटा है, एनालॉग डेटा है, मैं पहले के वीडियोस में आपके साथ जिक्र कर चुका हूं। उस लाइव डेटा को कैच करना है और उसको बच्चों भेजना है कहां पर, कहां पर भेजना है? गेटवेज के द्वारा क्लाउड पर भेजना है। तो ये सारा कुछ इतना ज्यादा रिमोट है, सेंसर कहीं पर, क्लाउड कहीं पर, गेटवेज कहीं पर, तो हर जगह वायर तो तुम नहीं दौड़ा पाओगे बच्चों, हर जगह वायर की फिजिबिलिटी होती भी नहीं है। तो इसीलिए क्लाउड में डेटा को पहुंचाने के लिए सेंसर्स डेटा कैच कर रहे हैं। ये जो टेक्नोलॉजी सबसे पॉपुलर है, डिवाइसेस हैं, मशीन्स हैं, नेटवर्क है, ये सब आपका रिमोट प्लेस पर आधारित है। इसीलिए आईओटी में सबसे ज्यादा पॉपुलर है बच्चों वायरलेस टेक्नोलॉजी। आशा करते हैं आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब प्रश्न उठता है कि कौन कौन सी वो प्रमुख वायरलेस टेक्नोलॉजीज हैं जो आईओटी में यूज हो रही हैं। सबसे पहले तो बच्चों उनका नाम आपको जानने की आवश्यकता है। आइए बताता हूं मैं, लिस्ट ऑफ मेन वायरलेस टेक्नोलॉजी। लिस्ट ऑफ मेन वायरलेस टेक्नोलॉजी यूज्ड इन कहां पर? आईओटी। आइए अब आपको यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन सी वो प्रमुख टेक्नोलॉजी है। नंबर वन, एक एक करके मैं नाम बताऊंगा, या मैं इस तरह से अगर लिख दूं, ये आपका आईओटी है और प्रमुख टेक्नोलॉजीज मैं एक एक करके दिखाना चाहता हूं। ब्लूटूथ, नाम सुना होगा बच्चों आपने, वाईफाई, लाईफाई, ब्लूटूथ लो एनर्जी, जिगबी, ये देख लीजिए बच्चों, यक्स 10, सिगफॉक्स, देख रहे हैं आप, लिस्ट ऑफ बच्चों टेक्नोलॉजीज हैं, है ना, आपका लोरा, लो पावर रेडियो एप्लीकेशंस जिसको नाम दिया गया है बच्चों। एक और है एनएफसी, ऐसी न जाने कितनी टेक्नोलॉजीज हैं बच्चों जो आपके वाई, आपके कह सकते हो ना, तुम्हारे आईओटी इंप्लीमेंटेशन में उपयोग या प्रयोग की जाती हैं, लेकिन उसमें जो सबसे प्रमुख, या मैं बोलूं जो सबसे पॉपुलर, जो सबसे अट्रैक्टिव टेक्नोलॉजीज का नाम आएगा, तो सबसे पहले बात आएगी ब्लूटूथ की, वाईफाई की, नियर फील्ड कम्युनिकेशन की, सिगफॉक्स की, जिगबी की। ये ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जिन्होंने गेम चेंजर, जैसे बच्चों ब्लूटूथ आप जानते हैं, ब्लूटूथ लो पावर वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क के निर्माण में आज शायद मैक्सिमम यूज हो रहा है किसी टेक्नोलॉजी का, तो वो कौन है बच्चों? वो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी है, जिसकी मदद से आप अपने सराउंडिंग में, अपने लैपटॉप से, अपने मोबाइल्स की मदद से एक ऐसा नेटवर्क डेवलप कर सकते हो जिसमें डेटा का ट्रांसफर एक सर्टेन रेंज में हाई स्पीड कनेक्टिविटी के साथ बच्चों हैंड फ्री ऑपरेशंस आप कर सकते हैं। आपने देखा होगा बच्चों की अच्छी खासी रफ्तार से ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी, अच्छा कनेक्टिविटी करना आसान है, मैनेज करना आसान है, यूज करना आसान है, ये वो सारी खासियतें हैं जो ब्लूटूथ को बहुत अट्रैक्टिव। वाईफाई आप जानते हैं रेडियो एप्लीकेशन है बच्चों, आउटसाइड द बिल्डिंग 100 मीटर, इनसाइड द बिल्डिंग 30 मीटर की रेंज के साथ मैक्सिमम नोड को मैक्सिमम डेटा ट्रांसफर करने में
हाई स्पीड कनेक्टिविटी में बच्चों यूज किया जाता है वाईफाई, जिसको वायरलेस फिडेलिटी कहते हैं। वाईफाई के बाद आजकल भविष्य है लाईफाई का, लाइट फिडेलिटी। लाइट फिडेलिटी का मतलब क्या है कि साहब डिवाइसेस के बीच डेटा का ट्रांसमिशन लाइट सिग्नल्स के फॉर्म में होगा। अभी ये दूर की बात है, दूर की कौड़ी है, लेकिन एक दिन आएगा कि बच्चों डिवाइसेस के बीच डेटा ट्रांसमिशन लाईफाई टेक्नोलॉजी पर आधारित हो जाएगा। नियर फील्ड कम्युनिकेशन, आजकल बहुत सारे ऐसे मोबाइल फोन्स हैं या डिवाइसेस हैं कंपनी जिनमें एनएफसी का कॉन्सेप्ट लेके आती है कि जैसे ही आप डिवाइसेस को एक सर्टेन डिस्टेंस से नजदीक लेके आएंगे, दूरी को घटाते जाएंगे, ऑटोमेटिकली डेटा का ट्रांसमिशन बच्चों होने लगेगा, स्टार्ट हो जाएगा, सूचनाओं का आदान प्रदान बच्चों होने लगेगा। तो नियर फील्ड कम्युनिकेशन, सिगफॉक्स, ये देख रहे हैं, ये सारी ऐसी टेक्नोलॉजी हैं जिन्होंने आज की डेट में क्या है बच्चों, कुल मिला जुला के आप कह सकते हैं कि कमाल करके रखा है। सिगफॉक्स रिमोट कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल डिवाइस सिस्टम है बच्चों, जिसकी मदद से आप क्या, सेलुलर स्टाइल बेस्ड सिस्टम है, यानी लो पावर डेटा रेट में डिवाइसेस, हॉस्पिटल्स की डिवाइसेस को, ऑफिसेस की डिवाइसेस को कनेक्ट करना है, सिगफॉक्स एक अच्छा अल्टरनेटिव है। जिगबी क्या है, ये भी आपका बच्चों लो पावर्ड बैटरी ऑपरेटेड, ये जान लीजिए जितनी वाईफाई टेक्नोलॉजी है ये लो पावर कम्युनिकेशन बैटरी ऑपरेटेड कम्युनिकेशन के लिए बच्चों डिजाइन की गई है या बनाई गई है। तो आने वाला भविष्य बच्चों जो है वो आपका, आप जानते हैं कि आईओटी का है, और उस आईओटी में आप देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी ही टेक्नोलॉजी है बच्चों। भविष्य आपका किसका है, आपका कह सकते हैं कि इन्हीं सारी टेक्नोलॉजी का है। X10 ये क्या है, होम ऑटोमेशन। बच्चों होम ऑटोमेशन क्या होता है, आप घरेलू उपकरणों को आप स्वचालन से कंट्रोल या नियंत्रित करना चाहते हैं, और उसमें आपका कहा जाता है X10 को फादर ऑफ ऑटोमेशन, होम ऑटोमेशन। तो ये वो सारी टेक्नोलॉजीज हैं जिन्होंने क्या है पूरा गेम ही बदल दिया है, पूरा गेम ही बच्चों पलट के रख दिया है। तो ये हो गया आपके आपके आईओटी में बच्चों, जिसको आप कह सकते हैं कि वायरलेस कम्युनिकेशन। वायरलेस कम्युनिकेशन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, एक बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है जो कि आज आईओटी में बच्चों उपयोग या प्रयोग किया जा रहा है मैक्सिमम। और मैं आपको बता दूं बच्चों, आने वाले वक्त में आईओटी में आपका मोबाइल कम्युनिकेशन भी यूज हो रहा है। कौन कौन सा मोबाइल कम्युनिकेशन, मैंने आपको लिस्ट दी थी जो यूज हो रहा है आईओटी में। तो हम बात करते हैं आपके, ये जो आपके सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, ये सब आप तो आउटडेटेड होते जा रहे हैं। 4G भी आउटडेटेड है, आने वाले समय में अब तो अपने इंडिया में 5G का जमाना है। फिफ्थ जनरेशन हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन, जिसको बच्चों आपका LTE यूज हो रहा था, जिसको हम लोग कह रहे थे लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। ये वो सारी टेक्नोलॉजीज के नाम हैं जो बच्चों आज की डेट में जबरदस्त तरीके से उपयोग या प्रयोग हो रहे हैं, किसमें, आईओटी में। तो आईओटी भरमार है, एक कोई टेक्नोलॉजी आप कहें, कोई सिंगल टेक्नोलॉजी की बात करें और कहें साहब कि ये आईओटी में ही इंप्लीमेंटेबल है, नहीं, मल्टीपल टेक्नोलॉजीज हैं, बेस्ड है ऑर्गेनाइजेशंस पर कि आपकी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन किस टेक्नोलॉजी पे काम करना चाहती है, किस टेक्नोलॉजी को यूज करना चाहती है या प्रयोग करना चाहती है। तो आशा करते हैं बच्चों ये बहुत ही संक्षिप्त सी जानकारी थी, लेकिन आपके काम की है, क्योंकि आपको ये नाम, ये पता, ये होना चाहिए कि कौन कौन सी वो प्रमुख टेक्नोलॉजी है जो आज की डेट में आपके आईओटी में धड़ल्ले से यूज हो रही हैं। और आने वाला वक्त बच्चों टेक्नोलॉजीज का ही है, नए नए फीचर्स नई नई डिवाइसेस में लेकर कंपनियां आ रही हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तो कुछ और अतिरिक्त जानकारियों के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए बच्चों नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।